बात होगी बेबाक, राजनीति के पैंतरे हो या समाज से जुड़े मुद्दे, हर उस आवाज को मिलेगी जगह जिसका सरोकार हो आपसे न लाग न लपेट, हम करेंगे खास मुलाकात। वैसे लोग नहीं है जिस पर पार्टी भरोसा जता सके, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि बक्सर में भाजपा एक ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो पार्टी भरोसा नहीं जता सकती है। लेकिन इसका एक खास वजह यह है कि जो बक्सर के लोकसभा सीट पे पहले से अधिपस्त बना लेते हैं, वो बक्सर के लोगों में इस तरीके के फुट और एक संगठनात्मक जो माहौल है उसको इतना अलग अलग रूप दे देते हैं कि यहाँ पे ही लोग अपने आप में निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें अपने बीच में से किसको चुनना है और किसको मजबूत करना है। जिस तरीके से जनता भी सवाल उठा रही है कि हमें स्थानीय चाहिए, तो आपको क्या नहीं लगता है कि अगर स्थानीय होगा तो बक्सर को बेहतर? हम आपका मेन सब मेन मुद्दा वही बता दिए कि समझने वाली चीज़ है भैया, समझने वाली चीज़ है कि हमारे यहाँ जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व तो करता कुछ ही लोग करते हैं, बाकी कार्यकर्ता होते हैं, उसी तरह जनता का नेतृत्व तो जो करते हैं हमारे गांव के जितने भी जनता जनार्दन हैं उनके जो नेतृत्व तो करता एक तरह से कहा जाए तो हम समाज सेवी लोग हैं और संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो पोस्ट पे हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो है जो उनको आवाज़ उठाते हैं। गाँव की आवाज़ कौन उठाता है? किसी भी गांव का, किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का उसका प्रतिनिधि, उसका जो प्रतिनिधि करने वाला जिस भी पार्टी के लोग हैं वो उठाते हैं। तो वो अपनी आवाज़ तो रख रहे हैं लेकिन हम उठाने वाले आपस के एक दूसरे के इतने विचार के मतभेद से जुड़े हुए हैं, हम सबके विचार अलग अलग बन गए हैं जिसके वजह से आज बक्सर को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, यही यथार्थ सत्य है। तो आपको भी लगता है कि बक्सर के साथ गलत हुआ है जो प्रत्याशी का जिस तरीके से भाजपा ने चयन किया? हम तो ये नहीं कहेंगे कि बक्सर के साथ गलत हुआ है, हम ये जरूर कहेंगे कि हमें बक्सर के लोगों को जरूर एक बार कहेंगे कि ये लोगों के बातों में ना आए, कोई भी प्रतिनिधि आए उनको देखते हुए अपने आप को संभाले और एकजुट होके बक्सर के विकास के लिए सोचेंगे तो हम लोगों में से ही कोई ना कोई आने वाला समय में नेतृत्व करेगा, यह हमारा विश्वास है। अगला कदम आपका क्या होगा? क्या आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे भाजपा के प्रचार प्रसार? देखिए, हम गुजरात में भी बीजेपी से जुड़े हुए थे और यहाँ पे भी हम बीजेपी से जुड़े हुए थे लेकिन हम सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर कभी ये बात नहीं कहे क्योंकि हमें जमीन पे काम करना था, हमें जमीन को जगह जगह जमीन पर पहुंचकर सभी लोगों भावनाओं को समझना था और सभी वर्ग से हमें जुड़ना था। तो हम पहले ये सोचे कि हम यहाँ पे 3-4 साल ऐसे स्ट्रगल करें, मेहनत करें कि हम लोगों की भावनाओं से जुड़े, स्वभाव से जुड़े, यहाँ के क्या तकलीफें हैं, यहाँ की क्या लोगों की मानसिकता है उनको हम पढ़ें और उस पर हम कार्य करें। तो हम ऐसे किए लेकिन फिलहाल हमारे को जो आदेश मिला, जो हमारे को लगा कि हमें ये करना चाहिए बक्सर के लिए और जिस तरह से हमारे को बक्सर के जनता, ये खास तौर से प्रेस मीडिया बुलाने की एक खास वजह ये भी है कि लोग अलग अलग तरह से बातें कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, हम तो बहुत ज़्यादा मीडिया में भी नहीं थे 2 महीने से, इसका खास रीज़न था कि हम चुप, वजह कुछ और था होने का कि हम कम से कम ये देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो गांव के लोगों के जो फोन, गांव के लोगों के जो हमारे प्रति लगाव, गांव के प्रति जो हमारे प्रति एक श्रद्धा, एक लोगों का विश्वास जो बना हुआ है, वो विश्वास पे हमें लगा कि उंगली उठ जाएगी और विश्वास कहीं ना कहीं टूटेगा, तो हमें लगा कि नहीं, हमें उन लोगों को भी समझाना है। बक्सर की जनता आपको भी एक कैंडिडेट के रूप में देख रही थी, आपने भी रैली भी किया था, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर रैली भी किया और एक कैंडिडेट के रूप में देख रही, उनसे क्या कहेंगे आप? हम उनसे ये कहेंगे कि हम उस समय भी बक्सर की जनता को जो एक साथ बक्सर के पहले यूथ को हम एकजुट करने की कोशिश की और आज भी हमारा वो दिन है कि हम जो रैली किए उससे हमारे बक्सर की जनता और बक्सर की यूथ आज भी एकजुट हमारे साथ है। ये सत्य है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र से बक्सर के में उस समय यूथ आए थे और आज भी उतने यूथ हमारे साथ हैं, आज भी यूथ ये बोल रहे हैं कि हर गाँव में हर जगह पर हम भी आपके साथ हैं। तो हमारी वो पहल ही थी, हमारी वो मेहनत ही थी कि उतने उस समय में, जिस समय आप लोगों को पता होगा उस समय रोपनी का समय था और हर गांव के लोग अपनी रोपनी छोड़ के हमारे साथ समर्पित हुए थे और यहां पे आए हुए थे और एक अद्भुत रिकॉर्ड बना था। हम यही कहेंगे कि हम बक्सर के जनता को कहेंगे कि हमारे जैसे ही सोच रखें, एक दूसरे से विचार का मतभेद करें, व्यक्तिगत मतभेद न रखें, अगर संगठनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो संगठन को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को सम्मान दें। हम मीडिया बंधु से भी ये बात कहेंगे, हम मीडिया बंधु भी, आप बक्सर के, आप भी बक्सर के क्षेत्र के बेटे हैं, आप भी बक्सर के हैं मीडिया, तो हम चाहेंगे कि हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया है, आप भी बक्सर की आवाज़ उठाइए, आप भी बक्सर की आवाज़ बनिए
हर लोगों को आपने भी ढूंढने का प्रयत्न करिए, आप भी गांव गांव जाइए, आप भी शहर दुनिया में लोगों को ढूंढिए कि कौन अच्छा नेतृत्व करता है, किसके अंदर क्या प्रतिभा है और कौन व्यक्ति कैसा है, और उसको समाज के पलट पे रखिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाइए। हम तो आपसे भी आग्रह करेंगे। अब तो भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तो ऐसे में अभी लगभग हम अभी तक न्यूज से और नाम से भी सुने, हर जगह घोषित हुए हैं, यहाँ पे जो भी भाजपा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और जो भी शीर्ष नेतृत्व का यहाँ पे निर्णय हुआ है हम उसको सही दिल से स्वीकार करते हैं। बक्सर की जनता को लोकल प्रत्याशी की मांग थी, बक्सर की जनता की लोकल प्रत्याशी की मांग थी और मांग है और आगे भी रहेगी। इसको आप किस नजर से? ये स्वाभाविक गुण है कि हर क्षेत्र के लोगों को अपने व्यक्तित्व को देखते हुए, अपने स्थान को देखते हुए लोकल का डिमांड होगा। ये हम कहेंगे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे बक्सर की जनता को ये अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और मांगना चाहिए। मिलना नहीं मिलना हमारे नेतृत्व करता, जो हमारे ही ऊपर यहाँ पे बक्सर के लोकल लोग नेतृत्व करते हैं, अगर उनमें सक्षमता नहीं है, वो लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई दूसरे पे डाल रहे हैं और अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, तो बक्सर की जनता की कहाँ दोष है? बक्सर की जनता तो चाहेगी कि हमारा लोकल नेतृत्व करता हो। थैंक यू। आधी आबादी के साथ पार्टी क्या की जी, नजरअंदाज जो आधी आबादी को की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे नजरअंदाज की है पार्टी? 17 सीट पर एक ही सीट पर कहीं महिला नहीं है बिहार में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस पे हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि इस तरह से, जिस तरह से भी भारत का पूरे जो भारतीय जनता पार्टी का सीट का बंटवारा हुआ है, उसमें लगभग महिलाओं की संख्या बढ़ी है, हमारे बिहार में नहीं है। तो इसका एक वजह यह है कि हमारे बिहार की महिलाएं पूर्ण रूप से कहीं जो जो लोकसभा सीट है वहाँ पे पहले से नॉमिनेट नहीं है और अपने आप को सेक्रेटर रूप में पेश नहीं किए, हम लोग पास रिपोर्ट है, जिसके वजह से यहाँ पे कोई महिलाओं को लोकसभा सीट नहीं मिला, ये सत्य है। बाकी आप अदर स्टेट उठा के देख लीजिए और भी कोई प्रदेश उठा के देख लीजिए, हर जगह महिलाओं को कहीं ना कहीं स्थान मिला। इस बार लोकसभा चुनाव में जो भी टिकट पार्टी ने निर्णय लिया है उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहित किया है और युवाओं को टिकट दिया हुआ है लगभग। अब रही बात बक्सर के लिए, तो हम जरूर ये कहेंगे कि बक्सर में आप लोग भी ऐसा करिए कि हमारे युवा एकजुट रहें, हमारी मीडिया भी एकजुट रहे और बक्सर की आवाज़ बने, और नए प्रतिनिधि जो आ रहे हैं उनको भी अपनी समस्याएं आप अवगत कराइए, मीडिया हर रिपोर्ट उनको करे और 5 साल में उनसे एजेंडा पे लिखिए, उनको बार बार उनको ध्यान दिलाइए कि भाई ये काम हम आपको दिए हैं, ये हमारा कार्य बाकी है, ये कार्यों का पूरा करिए। उसके लिए हम लोग को लड़ने के लिए एकजुट होना जरूरी है। बाकी किसी का सवाल आप पूछ सकते हैं, जो आपको पूछना है पूछ सकते हैं। भाजपा के जो भी कैंडिडेट आते हैं बक्सर से जीतते हैं, लेकिन उनका प्रेम अपने गृह जिले में हो जाता है, और ऐसे में आप भी स्थानीय बात जो है उसको उठा रहे हैं, देखिए इसको कैसे कहेंगे? हम एक बात कहेंगे कि माननीय जो प्रतिनिधि जी अभी फिलहाल बक्सर में आ रहे हैं, लगभग उनके बारे में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे और लगभग हम भी सुने कि वो बैकुंठपुर से विधायक पहले रह चुके हैं और अभी फिलहाल वर्तमान में नहीं है, लेकिन वहाँ पे अद्भुत विकास किए हैं ऐसा हमें सुनने को मिला है। अब हमारे बक्सर क्षेत्र में आने के बाद जब हम जनता उनको जिताते हैं तो उनके कार्यशैली जिस तरीके को होगा उस पर हम सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की माहौल है उस माहौल में हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी एक नकारात्मक स्थिति बने, जो कि हम एक मोदी परिवार बन चुके हैं, पूरा देश, पूरे जनता, पूरे लोग, वो हमारे मोदी परिवार के अंदर एक ऐसी भावना न बने कि हमें लगे कि कहीं ना कहीं हम अपने ही परिवार में मतभेद पैदा कर रहे हैं, तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अब बाकी जो कमियां होगी हम कोशिश करेंगे कि अपनी भी दूर करने की कोशिश करें। एक तरह से जनता ये भी मांग कर रही है कि स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, बाहरी कमजोर की तरह। अब देखिए बाहरी और स्थानीय में सिर्फ यही है कि एसएससी का काम है, इसमें हम विशेष कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आगे हमारी प्रयत्न रहेगी कि इस तरह से अगर एक बुलंदी आवाज उठाए आप सब मिलकर, तो हम लोग अपने स्थानीय कैंडिडेट के लिए मांग करेंगे और चाहेंगे कि हमारा स्थानीय कैंडिडेट आने वाला समय में हो।